हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी के बारे में, दैट हाउ टू स्टार्ट विद पीएचपी। यानी जब भी आप पीएचपी के कोई पेज बनाएंगे या कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसको आपको इनिशियली रन कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या आपको अपने कंप्यूटर में सेटिंग करनी है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पीएचपी क्या है, व्हाट इज़ द पीएचपी। पीएचपी की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। देखो, स्क्रिप्ट अपने को काम आती है डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए। स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML और CSS बहुत है, लेकिन डायनेमिक वेब पेज जब भी हम बनाएंगे उसमें कुछ प्रोग्रामेटिक वर्क अपन परफॉर्म करना चाहेंगे तब हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट दो टाइप की होती है, वन इज क्लाइंट साइड एंड सेकेंड इज़ सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो होती है वो यूज़र के कंप्यूटर पे ही रन हो जाती है, यानी उसका आउटपुट हमारे क्लाइंट पे ही एग्जीक्यूट होता है और क्लाइंट पे ही प्रोड्यूस हो जाता है। और सेकंड होती है सर्वर साइड। तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या करती है, सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होकर क्लाइंट की मशीन पे आउटपुट डिस्प्ले करती है। तो PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डायनेमिक एंड सिक्योर वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए काम आती है। तो उस PHP के पेज को अपने को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट चीज़ है एक ऐसी एप्लीकेशन जो अपने कंप्यूटर यानी मेरी जो मशीन है उसको एज ए सर्वर रन करे, यानी मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं अपने PHP स्क्रिप्ट के पेज को रन कर सकूं। क्योंकि PHP की स्क्रिप्ट है वो सर्वर साइड पर रन होती है, तो मेरे कंप्यूटर को मुझे एज ए सर्वर वर्क करवाना होगा। दूसरी चीज़ आती है एडिटर। एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, मैं एज ए सर्वर रन करने के लिए करूँगा सेम सर्वर यूज़, और दूसरी चीज़ मैं कर रहा हूँ एडिटर के रूप में VS Code एडिटर। आप और भी कोई एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं जेम सर्वर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है सेम। ये टाइप करने के बाद आपको ऊपर ऊपर लिंक मिलेगा apachefriends.org का, जिसमें सेम इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाचे फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकंड विंडो खुलेगी। जेम सर्वर जो है वो तीनों के लिए अवेलेबल है, विंडोज, लिनक्स एंड वर्सक्स। तो इसको आपको विंडो वर्जन, मेरे कंप्यूटर में विंडो है तो मैं विंडो वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एप्लीकेशन मेरी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेते हैं और इसको सिंपली डबल क्लिक करके आपको ओपन कर ले। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तब ये एरर आएगी, इसको आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये सारे ऑप्शन अपने को अवेलेबल है यहाँ पे, MySQL, FileZilla, यानी कि जो जेम सर्वर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको PHP रन करने के लिए एज ए सर्वर भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा और डेटाबेस इंजन भी प्रोवाइड करवाएगा। ये लोकेशन आपकी जहाँ पे जेम सर्वर इंस्टॉल करना है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि मेरा जेम सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं। ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। इसी तरीके से आप VS Code भी डाउनलोड कर सकते हैं। VS Code डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली जाना है गूगल में और VS Code टाइप करना है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये यहाँ से आपको डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। VS Code की खास बात ये है कि इसके अंदर आपको PHP, CSS और JavaScript इन सभी के क्या एक्सटेंशन मिल जाते हैं, जिससे आपको कोड टाइप करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब मेरा जो जेम सर्वर वो इंस्टॉल हो चुका है। आपकी स्क्रीन पे जो मैसेज आएगा विंडो सिक्योरिटी अलर्ट, इसको आपको अलाउ एक्सेस कर देना है। अब ये अपना फिनिश पेज आ चुका, कंप्लीट द जेम सेटअप विजार्ड, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल, अलाउ, यस आई वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे ये आपका जेम सर्वर का कंट्रोल पैनल आ गया है। जेम सर्वर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है
जिससे आप पीएचपी के पेज को रन करने के साथ साथ आप डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ फाइलजिला, मर्क्यूरी, टॉमकैट यह सर्विस भी आपको इसके साथ प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले आपको पीएचपी के पेज रन करने के लिए अपाचे को स्टार्ट कर लेना है। और जैसे यहाँ पे आ चुका है कि अपाचे इस पोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है। माई एसक्यूएल की आपको अभी ज़रूरत नहीं, जब भी हम डेटाबेस पेजेस के साथ वर्क करेंगे उस समय अपने को माई एसक्यूएल की ज़रूरत होगी। तो अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरे वी एस कोड में। वी एस कोड से जाने से पहले अपन चलते हैं एक बार सी ड्राइव में, जहाँ पे मेरे का जेम सर्वर इंस्टॉल हुआ है। ये देखिए जो लोकेशन थी वहाँ पे जेम सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। जब भी आप कोई पीएचपी वेब पेज डिज़ाइन करेंगे तो उसको सेव कहाँ करना है वो आपको देख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिंपली लोकल होस्ट, तो ये जो मेरा होम पेज है लोकल होस्ट का वो रन हो चुका है। ये पेज कहाँ से आ रहा है? ये पेज अपना यहाँ से आ रहा है। आपको जेम सर्वर के अंदर जाना है, जेम सर्वर में एच टी डॉक्स के अंदर जाना है। यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। इस फोल्डर के अंदर आपको जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया फर्स्ट पेज। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड की जगह आपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट पेज, तो अभी इसके अंदर कोई भी पेज नहीं है, इसलिए वापस अपन पेरेंट डायरेक्टरी में चलते हैं। यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन है जो कि आपको डेटाबेस क्रिएट करने या मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अपन चलते हैं वीएस कोड पे, जो अपने ने फोल्डर बनाया वो अपन इसके अंदर ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर करते हैं सी ड्राइव में, जेम्प में, जो भी आप पीएचपी प्रोजेक्ट बनाए वो आपको इसी एच टी डॉक्स के अंदर सेव करना है। तो ये अपने ने पेज बनाया था, इसको सॉरी फोल्डर बनाया था, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं एक न्यू पेज ऐड करता हूँ, यानी न्यू फाइल कर लेते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ index.php। पीएचपी के जो भी पेज आप रन सेव करेंगे उसको .php एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे एक HTML का फॉर्मेट ले लेता हूँ। पीएचपी को आप HTML के साथ भी इम्बेड कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। यहाँ पे चलते हैं, जैसे मैं बॉडी सेक्शन में गया। पीएचपी की स्क्रिप्ट जब भी आप स्टार्ट करेंगे और जब भी आप क्लोज करेंगे तो ये पीएचपी का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग है। इसी के साथ ही आपको पीएचपी स्टार्ट करनी है और एंड करनी है। ये ब्लॉक्स जो पीएचपी के ये ब्लॉक्स आप कितने भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, इसके साथ भी एम्बेड कर सकते हैं। आप सिंगल पीएचपी स्क्रिप्ट का पेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में अपन सिर्फ केवल एक स्टेटमेंट देखेंगे, आगे की प्लेलिस्ट में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पीएचपी की ओर। तो सबसे पहले अपन पीएचपी में देख लेते हैं इको स्टेटमेंट। इको क्या करता है, एक मैसेज यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाता है। अपन मैसेज देते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट पीएचपी स्क्रिप्ट, इसको अपन सेव करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना, आपको जब भी पीएचपी पेज रन करो तो आपका अपाचे सर्वर ज़रूर स्टार्ट रहना चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपन पेज को रन करने के लिए। ये एरर इसलिए आई क्योंकि अपने ने जो माई एसक्यूएल है वो अभी स्टार्ट नहीं की थी। माई एसक्यूएल अपने ने केवल अपाचे सर्विस स्टार्ट की थी। यहाँ पे चलते हैं, अपना फोल्डर का नाम क्या था, फर्स्ट पेज। ये देखिए ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज स्क्रिप्ट। ये जो ब्लॉक्स है ये आप एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, ये कोड दिया दिस इज माई सेकंड
सेव करते हैं, पेज को वापस रन करते हैं। ये देखिए, ये था पीएचपी का इनिशियल स्टार्टअप कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या रन चाहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी के बारे में, जो भी नेक्स्ट है, डेटा टाइप है, वर्किंग विद ऑपरेटर्स है, ये चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे।